नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। पहले तो मैं आप सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिनका असीमित स्नेह और सहयोग रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल को मिल रहा है। दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध नगर जनपद की ऐतिहासिक, प्राचीन और धार्मिक स्थलों के संबंध में एक परिचय श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आशा है यह श्रृंखला आपको पसंद आएगी। गौतम बुद्ध नगर जनपद में अनेक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं। दर्शक इनके बारे में जानना चाहते हैं। आपके पास भी किसी स्थल की कोई ऐतिहासिक और रोचक जानकारी हो तो कृपया हमें व्हाट्सएप नंबर 7017871712 पर शेयर कर सकते हैं। एक और निवेदन मेरे दर्शकों से है, जिन दर्शकों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। एनसीआर की बड़ी खबरों, जेब इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यमुना प्राधिकरण की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, पुश द बेल आइकन एंड शेयर विद द फ्रेंड्स। तो आइए, गौतम बुद्ध नगर के ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राचीन स्थलों की परिचय श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज हम आपको प्राचीन और ऐतिहासिक गरगज से रूबरू करा रहे हैं। अभी तक आपने इनके बारे में सुना होगा लेकिन एक साथ इन सबको नहीं देखा होगा, तो आज देखिए इन प्राचीन गरगजों को, किस तरह ये अपनी पहचान खोते जा रहे हैं और परेशानी का सबब बन रहे हैं। एनसीआर के गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा में 5 प्राचीन गरगज हैं। गौतम बुद्ध नगर में इनकी संख्या सर्वाधिक 3 है। ग्रेटर नोएडा के गांव गुलिस्तापुर, ऊंची धनकौर और जेवर खादर के करौल गांव में 3 गरगज हैं। इनमें ऊंची धनकौर और करौल का गरगज यमुना के समीप है। कभी यमुना नदी इनसे सटकर बहती थी। गौतम बुद्ध नगर जनपद के सीमावर्ती अलीगढ़ के चंडौस कस्बे में और मथुरा के नौझील कस्बे में थाने के समीप 2 अन्य गरगज हैं। इन 5 गरगजों में गौतम बुद्ध नगर के 3 गरगज के समीप अब आबादी बस गई है। इन गरगजों को कब और किसने बनवाया इसके संबंध में पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। माना जाता है ये 2100 साल पुराने मुगल सल्तनत काल के हैं। पीढ़ियां दर पीढ़ियां इनको लोग देखते रहे हैं और कही सुनी बातों पर ही अपनी जिज्ञासा को शांत करते रहे हैं। बुजुर्गों का कहना है कि मुगल काल में दिल्ली सल्तनत की सीमाओं की पहरेदारी इन गरगजों के द्वारा होती थी। वहीं यमुना नदी में आई बाढ़ की स्थिति को गरगजों पर चढ़कर देखा जाता था और ढोल बजाकर लोगों को सतर्क किया जाता था। अंग्रेजी सल्तनत में भी इन गरगजों के ऊपर चढ़कर दूरबीन से इलाके का सर्वेक्षण किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। ये सभी गरगज एक दूसरे से 12-12 कोस की दूरी पर हैं। एक ही बनावट और ढंग के 70 से 80 फीट ऊंचाई के चौकोर नीचे से चौड़े और ऊपर से सिकुड़ते गए हैं। इनकी नींव भी काफ़ी गहरी है। आमने सामने खुले गेट हैं, ऊपर तक 3-3 झरोखे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्हें वाचिंग टावर की संज्ञा देते हैं। ऐसा भी मानना है कि जब मुगल सेना आगरा से दिल्ली कूच करती थी तो रास्ते में लोगों को सेना के बीच अवरोधक नहीं बनने के लिए इन गरगजों पर चढ़कर बम से मुनादी कराई जाती थी। अलीगढ़ के चंडौस कस्बे के और जेवर खादर के करौल गांव में स्थित गरगज काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। ये ककरिया ईंटों और चूने से बने हैं। पुरातात्विक दृष्टि से ये ऐतिहासिक गरगज काफ़ी महत्व के हैं। इनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ग्रामीणों के पशु इसमें बंध रहे हैं। कुछ लोगों ने उपले और कूड़ा करकट इनमें भर रखा है। इन पर गहन शोध किया जाए तो काफ़ी ऐतिहासिक रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। ये दृश्य जेवर खादर के करौल के गरगज का है। इसमें सीढ़ियों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। अंदर इसमें लकड़ी की सीढ़ियां होती थी जो ऊपर की मंजिल तक जाती थी। गरगज में सबसे ऊपर एक बड़ा गोल पत्थर होता था जिसमें सुराख होता था। इस सुराख के ऊपर ही बम रखी जाती थी। लकड़ी की सीढ़ियों के ये अवशेष करौल के गरगज में ही देखने को मिलते हैं। इन गरगजों के बारे में लोगों की और भी बहुत जिज्ञासाएं हैं जिनका अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। शासन प्रशासन ने भी इन प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों को सजोने की कई बार योजनाएं बनाई हैं लेकिन किसी पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई है। पुरातत्व विभाग की दृष्टि में भी यह गरगज उपेक्षित होते जा रहे हैं। आम आदमियों को भी इससे जैसे आजकल कोई सरोकार नहीं रह गया है।
इनके आसपास की जमीनों पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। ऊंची धनकौर और करगोल के गरगज के आसपास तो बस्ती बस गई है। लोगों ने अपने घरों की दीवारें गरगज तक सटाकर बना रखी हैं। अब जो आप यह गरगज देख रहे हैं, यह मथुरा जिले के नौजील कस्बे में स्थित है। कस्बे के बाहर थाने के पीछे स्थित है बीराने स्थान पर यह गरगज काफ़ी मजबूत स्थिति में है। वर्षों पुराना यह गरगज, आसपास बालू मिट्टी के टीले हैं। यमुना नदी इसके कुछ समीप ही स्थित है। नौजील के आसपास के लोग इसे सिर्री कहते हैं। वर्षों से लेकर आज तक नौजील का यह गरगज भी स्थानीय और आसपास के लोगों के लिए कौतूहल और जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। तो ये थी इन गरगजों के बारे में एक जानकारी। अब जाने किस तरह ये गरगज आफत का सबब बने हुए हैं। धनकौर कस्बे से सटा ऊंची धनकौर का यह गरगज काफ़ी जर्जर अवस्था में आ गया है। अब यहाँ घनी आबादी बस गई है। आप देख सकते हैं यह जर्जर गरगज लोगों की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। इसकी दीवारें खोखली हो गई हैं, इसकी मरम्मत भी नहीं की जा सकी है। आसपास की बस्ती के लोगों को रात के समय इस गरगज का भूत सता रहा है। जब भी कभी तेज बारिश आंधी या तूफान आता है तो आसपास की बस्ती के लोग डर के मारे सहम जाते हैं। घरों से लोग बाहर निकलकर अपनी सुरक्षा के लिए बेचैन हो उठते हैं। बस्ती के लोगों को डर होता है कि कहीं यह गरगज गिरकर उनके घरों पर ना कहर बनकर टूट पड़े। बस्ती के लोग काफ़ी दिनों से इस गरगज की मरम्मत कराए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। कस्बे के लोगों का यह कहना है कि यमुना विकास प्राधिकरण को इस ऐतिहासिक गरगज को संरक्षित कर इसको सजोने का प्रयास किया जाना चाहिए। पिछले सालों सदर तहसील प्रशासन और यमुना विकास प्राधिकरण ने इस ऐतिहासिक गरगज की मरम्मत किए जाने और इस ऐतिहासिक प्राचीन स्थल को संरक्षित किए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन इस दिशा में आगे भी आज तक कोई कार्य नहीं हो पाया है। आइए जानें बस्ती के लोगों से किस तरह आजकल यह जर्जर प्राचीन ऐतिहासिक गरगज लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। मेरे साथ इस समय गरगज के स्थानीय निवासी शाहिद भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं इस गरगज के बारे में किस तरह परेशानी का सबब बन रहा है स्थानीय लोगों के लिए। शाहिद भाई बताइए, इससे के बारे में क्या जानकारी रखते हैं आप? सर, इसकी जानकारी के बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि ये कितना पुराना है, और यहाँ पे ये इस तरीके का एक साइड से टूट भी गया है, और इसकी कभी कोई पता नहीं है कि कब घटना हो जाए इससे। यहाँ के लोग इसी से सब परेशान है। इसका समस्या का समाधान किया जाए, या तो इसको तोड़वाया जाए या इसकी मरम्मत करवाई जाए। ऊंची धनकौर का प्राचीन ऐतिहासिक गरगज काफ़ी जर्जर हो चुका है। आंधी तूफान या घनी बारिश के समय यह कभी भी ढह सकता है। बस्ती के सैकड़ों लोगों को भूत की तरह इसका डर सता रहा है। हिंदू युवावानी शासन प्रशासन से इस ऐतिहासिक इमारत के जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रयास करेगी। तो ये थी एक रोचक ऐतिहासिक जानकारी गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा के प्राचीन गरगजों के बारे में। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस श्रृंखला की अगली कड़ी जेवर के प्राचीन धार्मिक स्थल दाऊजी मंदिर के बारे में देखना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। सतीश शर्मा जाफरावादी के साथ।